वेलकम टू माय लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे टेम्पररी स्टेनिंग ऑर्डर या स्टे ऑर्डर पे, कि सिविल प्रोसीजर कोड कानून जाब्ता दीवानी में इसकी क्या वजाहत की गई है और यह स्टे ऑर्डर क्यों लिया जाता है। अंडर सेक्शन 94 सबसेक्शन सी रूल्स 1, 2, 2A, B, 3 and 4 ऑफ आर्डर 39 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। स्टे ऑर्डर मीन अ स्टे ऑर्डर रेफर्स टू द एक्ट टेम्परली स्टॉपिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स थ्रू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इट इज सस्पेंशन ऑफ a case or a suspension of a particular proceedings within a case. A stay order simply means that certain parties are not allowed to take certain action while the order in court. The order is in court. इस पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ये बहुत अहम टॉपिक है, अमूमन लोगों को इससे फेस करना पड़ता है, वास्ता करना पड़ता है जब कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और एक पार्टी समझती है कि उसका हक जो है वो दबाया जा रहा है या ये नाजायज़ काम हो रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर लिया जाता है। स्टे ऑर्डर मीन्स दैट द ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर इज स्टेड आर stand still as it the order does not exist. So execution of the order will be stayed or stand still as it was before the order. Stay order often refer to injunction order, which means that one is restrained from doing something or from continuing to do something. उसके बाद आ जाए, temporary injunction is an equitable right for remedy in the form of court order that compels a party to do a certain or refrain from specific act. In non-compliance with an order of court, party may face criminal or civil penalties and even imprisonment. Temporary injunction under section 1994C rules 1, 2, 2A, B, 3 and 4 order 39 CPC. Temporary injunction is that injunction which is or can be granted at any time of some suit and continues for a specific period or till further order of the court is not passed. Now its ingredients, there will be a prima facie case, there will be, if there will be irreparable loss or balance of convenience, तो तब ये स्टे ऑर्डर लिया जाता है, यानी कि बाद नज़र में मुकदमा है चल रहा है या कोई नाकाबले बर्दाश्त नुकसान होने का अंदेशा है या अवामुन नास के सहूलत और आसाइश में खलल का अंदेशा है या किसी पार्टी के सहूलत और आसाइश में खलल का अंदेशा है और वो पार्टी कोर्ट से रिजू करती है, कोर्ट को थ्रू एप्लीकेशन, इसको हम केस या सूट एप्लीकेशन प्रेपरेशन करके उसको तैयार करके मुतलका जज को देते हैं
और उसमें सारी कंडीशंस और सूरत हाल इन्वायरमेंट्स लिखी जाती हैं कि इस वजह से प्लेंटफ अपनी तरफ से जब वो लिखता है लिखवाता है कि इस तरफ से इस वजह से ये स्टे ऑर्डर लिया जा रहा है, और दूसरी अपोनेंट पार्टी का भी उसमें ज़िक्र होता है कि वो इसमें खलल डाल रही है, तो उस वक्त ऑर्डर जो है वो इशू किया जाएगा। कोर्ट ऑर्डर इशू करती है सारे हकायक वो वाक़यात को देखते हुए। ये स्टे ऑर्डर या टेम्परली रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर या रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, आम जबान में इसको स्टे ऑर्डर बोलते हैं, कोर्ट टेम्परली भी इशू कर सकती है और परमानेंट बेसिस पे भी इशू कर सकती है। इसके असूल या तरीकाकार जो इशूंस का है वो ये है कि सूट आर एप्लीकेशन टू द कोर्ट, सूट फॉर रिस्ट्रेनिंग ऑफ रेपिटिशन आर कंटिन्यूस ऑफ ब्रीच, नोटिस टू द अपोजिट पार्टीज, एक्सेप्शंस फॉर दैट हु आर द एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट स्टाफ और एम्प्लॉयज, इशुएंस ऑफ टेम्परेरी इंजेक्शंस, डिस्चार्ज, सेटिंग असाइड और वेरिंग द टेम्परेरी ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस। ये हुक्म इम्तनाई जो है, स्टे ऑर्डर जो है वो दफ़ा 94 ज़ैली दफ़ा सी रूल 1, 2, 2, A, B, 3 एंड 4 के तहत आते हैं। मेरे चैनल